हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे में एक बार से नई वीडियो आपका स्वागत है। तो आज नए से एक्सपेरिमेंट लेके आ गए हम। तो आज हमारे पास ये पोटेशियम मेटल बिल्कुल पत्थर की जैसा होता है, आपने देखा ही होगा इसको तो कहीं ना कहीं। केमिकल है गाइस, इसको पानी के अंदर मिलाने से बहुत बड़ी रिएक्शन होती है। इससे अंदर एक गैस निकलती है जो फ्लेमेबल होती है, बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। पानी के अंदर डालने से गैस बनती है, गैस जलने लायक होती है। तो गैस बहुत भी हम बनाने वाले एक पटाखा बोतल के अंदर डाल के देखते हैं कैसे क्या रहता है ये सीन इसका। इसके लिए हमें पहले इसके अंदर छोटे छोटे पास्ट डालने पड़ेंगे इतने इतने वाले। इसके अंदर इसको डालते हैं, काफ़ी रहेगा। तो अब हमें जरूरत पड़ने वाली पानी की बोतल की, जो कि हमारे पास पहले से है तैयार। गाइस भी देखना मैजिक, ये रहा पानी। थोड़ा माइक पे ले लेंगे थोड़ा। गाइस हमारे कैमरे पर हिट कर दिया। तो देखो बोतल कैसे क्या हाल हो गया इसका, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल के। इसकी सील निकाल देते ना तो भाई अच्छी तरीके से ब्लास्ट होता है, लेकिन सील नहीं निकाली इसकी वजह से इसका क्या ढक्कन निकल के भाग गया और अच्छी तरीके से ब्लास्ट नहीं हो पाई। तो हम दूसरी बोतल के साथ ट्राई करते हैं, ठीक है? तो दूसरी बोतल के साथ ट्राई करते हैं। पहले वाले बोतल ब्लास्ट इस वजह से हो पाई क्योंकि उसकी हमने सील नहीं रहे थे। इसके लिए ऐसे गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, इसलिए फिर से लटा देते गए। इसकी सील हट चुकी है, तब इसका ढक्कन इसका निकाल लेते पहले। इसके बाद सब पोटेशियम मेटल वापस रिफिल करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स डालेंगे। गुब्बारा बनना स्टार्ट हो गया है। देखा गाइस धमाका, इस बार बहुत अच्छी तरीके से वर्क हुआ है। देखो बोतल का क्या हाल हो गया है। देखो भाई बहुत बिल्कुल पूरी तरीके से फट गई है। देखो क्या हाल हो गया इसका। देखा आपने धमाका गाइस, इसकी पावर कितनी है। ऑलराइट गाइस, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसी तरह गाइस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक। इस तरीके से धमाके और आगे आते रहेंगे। और इस में हमारे पास इतना सारा पड़ा है, तो अगला वीडियो किस पर आएगा उसके लिए देखना रहना। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद।